मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इस बार जुलाई और अगस्त के महीने में जो निम्न दबाव के क्षेत्र बने थे वो काफी ज्यादा बने हैं और मध्य भारत को भारी बारिश दी है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमने स्काईमेट ने मुंबई की रेन ऐप को लॉन्च किया हुआ है, उससे आप क्या कर सकते हैं, अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मुंबई के हर इलाके में कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कहाँ वाटर लॉगिंग है, कहाँ बारिश होने वाली है, ये सारी जानकारी तो मिलेगी। सारे आर्टिकल जो हम पूरे भारत के लिए लिखते हैं वो भी आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें इनाम भी जीत सकते हैं 30 सितंबर तक, जब तक मानसून है तब तक डेली आपको केवल उसको डाउनलोड करना है, फ्री में है गूगल प्ले स्टोर पर। केवल आपको मुंबई में कितनी बारिश होगी अगले 24 घंटों पर ये बताना है और रोज 5 लोगों को 1,000 के शॉपिंग वाउचर मिल रहे हैं और जो वीकली विनर है उसको 5,000 रुपए के शॉपिंग वाउचर मिल रहे हैं और जो पूरे महीने में विजेता होगा जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसको 1,00,000 रुपए तक के शॉपिंग वाउचर मिलेंगे। माफ कीजिएगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इनाम के हकदार बन जाइए। तो आप देखिए ये बादल, आप एक तो ये डिप्रेशन बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर, तो उसके लिए ये बादल इस तरह से घूम रहे हैं और एक लो प्रेशर एरिया था जो साउथ सिंध पर है वो अब धीरे धीरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो यानी दो वेदर सिस्टम है जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और जब भी इस बार हमने देखा कि जो लो प्रेशर एरिया यहां बने वो घेरा कर, यानी कभी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बने, कभी डिप्रेशन बने, तो और वो इस तरह से मध्य भारत से होते हुए गुजरात और साउथ राजस्थान की तरफ गए। लेकिन पिछले दो वेदर सिस्टम जो बने हैं यानी कि लो प्रेशर एरिया, वो उन्होंने क्या किया है, वो इस तरह का रूट लेकर के गए हैं। तो ये जो है ये भी यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा और उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ डिप होता हुआ साउथ पाकिस्तान में होता हुआ कमजोर पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों से और उससे क्या हो रहा है कि जो पूर्वी भारत है और उत्तर भारत है उसको भी कुछ फायदा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हुई है, बिहार में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ी है और ये अच्छी बात है क्योंकि ये जो इलाके हैं सबसे ज्यादा सूखे की मार झेल रहे हैं। तो देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम है वो आप देखिए डिप्रेशन बन गया है जो नॉर्थ मध्य प्रदेश और उसके आसपास है और यहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, अभी लो प्रेशर ही है लेकिन बन जाएगा। तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो पिछले दो दिनों में आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर मंडी वगैरह में आपने देखा, धर्मशाला में, इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई है और जो चक्की नदी पर जो पुल था जो पठानकोट से धर्मशाला को जोड़ता था वो टूट गया और उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जो छोटी वाली ट्रेन है वो उसका आवागमन अवरुद्ध हो गया है, वो पहले से ही थोड़ा सा कमजोर था। तो इस तरह की जो घटना है काफी ज्यादा बड़ी है, पिछले कई सालों में खास करके बड़ी है और फिर भी अभी क्या हो रहा है कि जो हैवी रेनफॉल अभी भी जारी था उसके कारण ये क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड ये हुआ है और 12 लोगों की बदकिस्मती से जान भी गई है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहाड़ों का अगर आपको रुख करना है तो थोड़ा रुक जाइए क्योंकि अभी भी हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में जारी रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो अभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड मडस्लाइड हो जाती है, ज्यादा पानी होता है, तो क्या होता है कि जो पहाड़ हैं वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और जो मिट्टी लूज हो जाती है और जब भी एक अच्छा स्पेल होता है तो वो पहाड़ फिर से सरकते हैं, पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होती है और काफी ज्यादा नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, अगर कोई छुट्टी वुट्टी है तो भी अगर आपका प्लान है उसको कैंसिल करिए और अगर बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरत के उस इलाके का आप भ्रमण करें या उस इलाके में जाएं। तो अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये सारे इलाके लगभग शुष्क होने वाले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, हो सकता है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ जाएं लेकिन ओवरऑल जो वेदर एक्टिविटी है रिड्यूस होने वाली है इन सारे इलाकों में। बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी और क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है ये आगे आ गया है, अब ये जो इसका मूवमेंट है वो और आगे हो जाएगा और कुल मिलाकर के ये इस तरह से मूव करेगा, ऐसे करता हुआ और इस तरह से डिप करेगा, यानी कि यहां से होता हुआ जाएगा। तो हरियाणा के तो कुछ इलाकों में बादल वादल छा सकते हैं, उसी तरह से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं सवाई माधोपुर से लेकर के अजमेर और जयपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। अजमेर में खास करके तेज बारिश हो सकती है, जयपुर के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह भीलवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और कोटा, बूंदी, वारन, ये भीलवाड़ा ये जो इलाके हैं, टोंक वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। उसके बाद यानी कि ये 23 तारीख को
और आगे सरक जाएगा और ये फिर पहुंच जाएगा ये जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, इन सारे इलाकों में बारिश की गति ना बढ़ सकती है, नागौर वगैरह में। लेकिन जो उत्तरी जिले हैं जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये इलाके लगभग अशुष्क रहेंगे, इसमें बारिश की संभावना कम है। चुरू और बीकानेर में भी कुछ बौछारें तेज पड़ सकती हैं, यानी कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट राजस्थान पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो 23 और 24 तारीख को हो सकता है, यानी आज से ही जो उत्तरी जिले हैं यानी जो राजस्थान से लगे हुए हैं जैसे साबरकांठा वगैरह, इन इलाकों में भी तेज बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। लेकिन जो साउथ गुजरात है, राजकोट और उसके नीचे वाला अमरेली हो गया, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल, ये जो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, ये इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश यानी छुटपुट बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं होने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि साउथ पाकिस्तान में और सेंट्रल पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। 23 और 24 तारीख को जो साउथ सिंध है जैसे कराची हो गया, हैदराबाद, नवाबशाह, बहावलपुर और चोर, बादिन, ये जो इलाके हैं हैदराबाद वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी समय जो सेंट्रल सिंध है और बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी बारिश देख सकते हैं। तो ये सारे इसका जो सिस्टम है वो इस तरह से 24 तारीख तक आगे बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले लगभग शुष्क हो रहे हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट है इसका वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। तो जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन अगले दो दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाएं पूर्वी दिशा से यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे कि थोड़ी सी गर्मी से राहत आपको मिली रहेगी। और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने वाला है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गति काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट वेव बंगाल में बनेगा जो 23-24 तारीख को एक बार फिर गंगे पश्चिम बंगाल यानी कि 24 परगना, कौनटई, डायमंड हार्बर, पुरलिया, बांकुरा, इन सारे कलकत्ता वगैरह को बारिश देता हुआ, झारखंड के जमशेदपुर, चाईबासा, इन सारे इलाकों में बारिश देता हुआ, उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश एक बार फिर बढ़ा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश जैसे अभी थी वैसे नहीं होगी, लेकिन बारिश की गति एक बार फिर से पूर्वी भारत के दक्षिणी इलाकों में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अभी फिलहाल जो छत्तीसगढ़ में भी 24 या 25 तारीख में बारिश बढ़ेगी, और फिर उसके बाद ये पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसे सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में, और जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी हो सकती है। तो और बाकी इलाके जो हैं, जो अब दो दिनों के बाद जो ये पश्चिमी जिले हैं जैसे कि नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, बरवनी, अलराजपुर, उज्जैन, ये सारे रतलाम वगैरह, ये सारे इलाके लगभग शुष्क हो जाएंगे। और बाकी इलाकों की बात करें अगर हम जैसे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और जो कोंकण और गोवा है यहाँ पर भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी। और पूरे कोस्टल कर्नाटक तक बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी लेकिन मानसून थोड़ा सा इस इलाके में एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। तो केरल में कई दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, केरल और कोस्टल कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट और एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। हालांकि केरल पूरे जितने भी ये साउथ सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, इसमें केवल केरल ही -21% है यानी कि डेफिशिएंट है। तो इस इलाके में बारिश होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना अब बढ़ रही है, जो अगले दो चार दिनों तक तेज बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। लेकिन बाकी जो साउथ पेनिनसुला है इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, लक्षद्वीप भी लगभग शुष्क रहेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी कुल मिलाकर के जो बारिश है वो अब राजस्थान, गुजरात और साउथ पाकिस्तान में ही अच्छी होने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब